गाड़ी, ये बैठिए जबरदस्त। कहाँ गई? गिर गई, चल जाओ, शाबाश। आज इतनी छोटी मिल रही है, फाख्ता बड़ी जो है वो नहीं मिल रही। झुंडों में है ज़्यादातर ना। देख चलो, माशाल्लाह दिन भी निकला हुआ है, धूप अच्छा निकला हुआ है, धूप भी है, तो आज माशाल्लाह अच्छा रिजल्ट दे रही है गन। कोई टेंशन नहीं हो रही आज। रेडी को दिखा जी जी। क्या हो गया? शाबाश गन में ख्याल से पर पे लगा है, तो जिसकी वजह से ऑन द स्पॉट मौके पे ही गिर गया। ये क्या, कहाँ पे गिरे? क्या दे पे हो? चिड़ियाँ भैया, चिड़ियाँ भैया। अच्छा, स्कूल की तैयारी कर ले, छुट्टियाँ खत्म होती पी, तेन पता काम शम लिखे ही? यार गलत गल है, काम शम लिखा कर यार स्कूल का। पक्की गल है ना? हाँ भाई, बई मनी ना करे, उड़े नहीं जाते हैं। तेन पता है बात, उड़े ना, नाश्ता कर दी बैठी गेरिया, नाश्ता कर दी बैठिया, खाना खाना खाती बैठिया। हाँ यार कर दी, तेन नहीं पता यार, तू तो आप दी कवाल दी गल्लां कर दें यार। चलो ठीक है, हुण तू हुण जा, आप बाद में मुलाकात कर सू, ठीक है, बाय बाय। रेडी करो भाई, सामने हट्टा कट्टा बरबाना बैठा है, बैठा कहाँ भेजे, तो मुझे भी नज़र नहीं आ रहा। ऊपर है, चलो रेडी करो, रेडी पर नज़र आ गया, जबरदस्त। अब मिलेगा पता नहीं क्या मुश्किल जी। देखो देखो, तो भाई हंटर आज़ाद के लिए खुशखबरी है, क्योंकि पैलेट हमारे पास हो गए थे ख़त्म प्रो मैगनम के, हम मैच के यूज़ कर रहे हैं, तो इतना रिजल्ट प्रो मैगनम ने नहीं दिया जितना मैच दे रहा है। तो मैं तो दिल की गहराई से मैच का शुक्रिया अदा करता हूँ। तो आज बहुत ही कम मिस हो रहे हैं, और जिसको लगता है वो आप देख लें सामने, उधर ही दूर जाने की नौबत ही नहीं आती। औरतें खड़ी हैं, क्या रही है, एक ऐ डी पई है तो एक उत्थे डी है। चलो ढह तो पई है, तबसरे कर रही है एयर वाई न्यूज़ की। ये इसको गान को एक दफ़ा हाथ रखो ना, मैं कैम बंद कर लूँ, एक मेरे पास ठीक है। आज के दिन जो टोटल शिकार किया वो आपको दिखा देते हैं। तो अच्छा दिन रहा आज का, हंटिंग में थोड़ा सा मज़ा आया, कुछ पैलेट्स मिस भी हुए तो, लेकिन अच्छा कमबैक किया। जस्ट 3-4 घंटे की गेम की है, 9 बजे गए थे, 9, 10, 11, 12 साढ़े बारह तक वापस आ गए थे। तो ये देख ले, इसमें कुछ है टाटरू है, कुछ फुल बड़ी फाख्ता है। अच्छा लग गया आज का जो है शिकार। अभी इसकी इंशाल्लाह फिर इसकी, अभी इसके बाद आपको दिखाएंगे कटिंग कैसे, मतलब बनाते कैसे हम, इसको साफ़ कैसे करते हैं, उसके बाद कुकिंग वाली वीडियो भी इंशाल्लाह आपको भिजवाऊंगा।
तो फिलहाल इस वीडियो के साथ आगे जो अटैच वीडियो है वो सिर्फ उसमें हम जो साफ़ करते हैं कुछ भाइयों को ना शिकार साफ़ करने का, वो बार बार कहते हैं भाई कि इसकी कोई वीडियो बनाओ, तो वो स्पेशल तौर पे उनके लिए आज वीडियो बनाई है शिकार साफ़ करने की, तो कि शिकार को कैसे साफ़ किया जाता है, फिर उसके बाद उसको फिर इंशाल्लाह कुकिंग की भी बनाएंगे, कुकिंग कैसे करते हैं हम, ठीक है। तो ये आज का ये चार भाई साथ गए थे, तो ये सब तो सब किस हिस्से में कुछ ना कुछ तो आज शिकार आएगा। अभी हम साफ़ करने वाली वीडियो अपलोड कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो काफ़ी भाइयों की फरमाइश थी कि आप जब शिकार साफ़ करते हैं तो उसकी भी वीडियो प्लीज़ अपलोड करें, कैसे बनाते हैं। तो हमारे साथ इस वक्त बैठे हैं भाई अबूबकर भाई बैठे हैं, आबिद भाई बैठे हुए हैं और नसीम भाई बैठे हुए हैं। तो आपको ये दिखा रहे हैं, ये फर्स्ट फाख्ता ये जो है इसको हम साफ़ कर रहे हैं। ये कैसे साफ़ करते हैं, कुछ भाइयों को समझ ही नहीं आती यार कैसे साफ़ करते हैं, यार हमें बता दो। तो आज उनके लिए स्पेशल तौर पे वीडियो बनाई गई है। ये देख रहे हैं आपको, ये साफ़ हुई नहीं है, ये देख लें, ये बनते हैं, ये बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। तो अक्सर मैंने वो ग्रुपों में पोस्टें भी देखी हैं, वो बिल्कुल थोड़ी सी साफ़ नहीं होती, ऊपर से उनके पार शहर नज़र आ रहे होते हैं, तो थोड़ा सा ना एहतियात के साथ अगर किया जाए इंशाल्लाह साफ़ हो जाएगी। तो आज अबूबकर में कितना रहा है शिकार, कितने 13 मतलब मकसद मुकाबलाबाजी हरगिज़ नहीं है। आप ग्रुपों में देख लेते हैं अक्सर लोग मुकाबलेबाजी में लगे होते हैं, आज मैंने इतने शूट किए हैं, आज ये गिरा दिए, ये कर दिए, 10 हलियर 12 हलियर, अरे ये भी तो गलत बात है। आप ये देखिए आबिद भाई इसकी सफाई कर रहे हैं, बहुत अवकात ना पैलेट पार्क के पास लग जाता है, सीने में लग जाता है, बोन वाली बैक वाली साइड पे लग जाता है, तो उस वक्त काफ़ी मुश्किल पेश आती है सफाई करते वक्त। तो हमारा मकसद हरगिज़ मुकाबलाबाजी करना नहीं है। चार भाई हैं, नसीम भाई हैं, अबूबकर भाई हैं, आबिद हैं, हम चार हैं, तो जस्ट ये 13 हमें बहुत हैं, और आबिद भाई के लिए सुबह के नाश्ते के लिए भी बच जाती है तो हाँ बस हफ्ते में एक दफ़ा जाते हैं, बार बार हम नहीं जाते। अबूबकर भाई की टेक्निक देखें, जैसे अबूबकर भाई अच्छा ये पार्क बाजू वाला है हिस्सा है, अबूबकर भाई देखें बाजू वाला हिस्सा काफ़ी मुश्किल होता है, वो अक्सर भाइयों को समझ नहीं आती कैसे साफ़ करना है। ये देखें अबूबकर भाई साफ़ करके आपको बता रहे हैं, इधर आबिद भाई भी हैं, आबिद भाई आप दोनों क्लोज हैं, मैं दोनों की दिखा रहा हूँ कैसे वो सफाई कर रहे हैं ना। तो बंडल ऑफ थैंक्स जो अगली जो वीडियो मैं इंशाल्लाह भेजूंगा कल तक आपको मिल जाएगी, तो वो ख़ास तौर पे उनको डेडिकेट कर रहे हैं नसीम बुखारी को। नसीम भाई ने वो वीडियो बनाई है, कमाल की वीडियो बनाई है उसकी, अबूबकर भाई काफ़ी तारीफ़ें कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह कल देखेंगे कि नसीम भाई ने कैसी वीडियो बनाई है। अभी तक तो मैंने देखी नहीं है, बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, बहुत अच्छी। ये आबिद भाई इनका काफ़ी एक्सपीरियंस है, 5 साल हो गए इनको फ़िशिंग करते हुए, फ़िशिंग का इनको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो हम इनसे फ़िशिंग सीख रहे हैं, ये हमसे हंटिंग सीख रहे हैं। तो ऐशु ये देखें ये पार्ट टूटा हुआ था, ये चस्कालू, कुछ लोग चस्कालू होते हैं, जब शिकार तैयार हो जाता है खाना बन जाता है, ऊपर से खाने आ जाते हैं, जब इनको जो साफ़ करना पड़ जाए इनकी, एक ये आबिद की लाडली बेटी है, आबिद भाई की जो बेटी है लेक्चर दे रही है आबिद को छोटे बच्चे हैं ना, छोटे चिंटू मिंटू से बच्चे हैं अभी इनको, ये देखें बच्चों को ये नहीं पता अभी, जब स्कूल उनके ओपन हो रहे थे बस ये है, इमरान खान को दुआएं दें, उन्होंने बस 13 तारीख तक थोड़ा सा एक्सटेंड कर दी है इनकी छुट्टियाँ। ये साफ़ हो गई, ये आप मेरे भाई ये ऐसे जो जो बंदे आपको घर में तंग करते हैं ना, जो आपके मोहल्ले में आपको डिस्टर्ब करते हैं, जिनकी वजह से आप बहुत तंग हैं, तो ये देखें ना ये जो उनके भूड उड़े पड़े हैं, ये सारा कुछ ना ये शापर में लपेट के उनके घर फेंक दें, छत पे ये फेंक दें, ये अच्छा उसके घर फेंक दें, तो कमाल का रिजल्ट देखेंगे सुबह उनके फर्श पे देखेंगे आप, हर तरफ ये उनके होंगे नज़र आ रहे होंगे, ऐसा उनका हाँ वो बिल्लियाँ ऐसे एक्सपर्ट हैं, वो शापर को चीर फाड़ के रख देती हैं, तो सारा घर इनसे भरा पड़ा होगा। उम्मीद है जो करीब वाले 3-4 घर होंगे ना सब भी ओके हो जाएंगे, ये ओके है, ठीक है। ये देखिए देखा वो अभी अंदर की सफाई भी करनी है ना, हाँ वो भी ये तो हाँ बाद में इकट्ठी करेंगे ना, इकट्ठी करके ठीक है। आबिद भाई ने सफाई की है, ये देखिए आबिद भाई ने साफ किया इसको,
ये वो बकरे वगैरह छोटी एक साफ करें, ये जल्दी हो जाएगी साफ। नहीं सर भाई, मैं तो ये कहता हूँ कि जो जो ज्यादा तंज करते हैं ना, हर मोहल्ले में होते हैं लोग जो शिकारी हजरात को, ये इसका जो डेडिकेट उनको कर दे, उसको ये करें ना, ये इसको शापर में बंद करके ना, इसके जो सारे कपड़े उतारे हैं हमने उनकी छत पे फेंक दें। अच्छा, सुबह कमाल देख लो, सुबह खुद कमाल देखेंगे, लड़ाई झगड़े की जरूरत भी नहीं है। अच्छा, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। और काइंडली जो भी नए हमारे चैनल के ऊपर भाई आए हैं, तो हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले से मिल जाए। तो पहले भी मैं बार बार कहता हूँ कि जस्ट ये जो वीडियो होती है हंटिंग वाली, ख़ास तौर पे हम अपने प्यारे भाई जो अब हमारे हंटर हजरात हैं उनके लिए बनाते हैं, ना कि जो अक्सर लोग को तंज करने आ जाते हैं, भाई ये ऐसे ना क्या करो, जुल्म है, वो है, ये है, वो है, मैं अब उनको क्या लेक्चर दूँ। अब आप खुद देख लें, जो है जो जो हमारे मेरे वीडियो के ऊपर इतनी गलत गलत या ऐसी बातें करते हैं, तो घर कितनी गलत बातें करते होंगे, तो उनसे उनके घर वाले कितने तंग होंगे, तो आप खुद इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं उनके कोड़े मैसेजों से। अच्छा, अभी मुझे एक बात बिल्कुल भूल गई थी, वो आबिद भाई ने अभी मुझे याद दिलवा दिया है कि हम जो है ना, सिर्फ सीज़न में जब हंटिंग का सीज़न होता है उसमें ही हम हंटिंग करते हैं, इसके अलावा जब इस इन फाख्ताओं का ब्रीडिंग का सीज़न होता है उसमें हम हरगिज़ ये हंट नहीं करते। तो आप भाइयों से भी गुजारिश है, अक्सर मैंने अपने इलाके में भी देखा है, तो इसमें भी काफ़ी जब हंटिंग सीज़न ऑफ हो जाता है, तो बच्चों का मौसम होता है, तो इसमें फिर काफ़ी भाई वो गन्ने उठा के घूम फिर रहे होते हैं गर्मी में बहुत जुल्म करते हैं, तो ये उससे भी बड़ा जुल्म है, ठीक है ना, तो रेगुलेशन के साथ शिकार करते हैं। हाँ बिल्कुल। और दूसरी बात है कि तो मैं फिर से बार बार आपको कहता हूँ कि मुकाबलाबाजी में हरगिज़ ना आए अपने लिए, जो जो 4, 5, 10, 12 परिंदे आपने हंट करने वो करें, और इसके एक्स्ट्रा मुकाबलेबाजी हरगिज़ ना करें। और एक वो जाल कुकड़ वाला भी देखा हुआ है, अक्सर भाई मैं जाल कुकड़ देखता हूँ, भाई वो बताओ जार मुर्ग, उसको मुर्गों पर कहते हैं, कमांडी मुर्गा भी उसको कहते हैं भाई, जाल कुकड़ भी लोग उसको कह देते हैं, तो वो मेरे भाई वो ख़ास तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ वो हराम है, क्योंकि जो परिंदा पंजों से खाता है वो हराम है, और जो चूंच से खाता है वो हलाल है। तो अक्सर अबू बकर भाई उसको क्या खाते हुए आपने देखा था, वो मेंढक भी खाते हुए देखे ना, हाँ पंजों से मेंढक खा रहा था, ठीक है, पंजों में पकड़ के ना फिर चूंज के साथ खा, चूंज के साथ, ठीक है ना, जो पंजों का थोड़ा सा, तो वो हराम है, तो काइंडली आपसे गुजारिश है उसका हर घिसना क्या करें। जो अक्सर वो टटीरी भी कह लेते हैं भाई, वो भी हराम है, ये है, मैना का भी कह देते हैं भाई, वो बात सुने, वो हलाल है, ठीक है, अगर जिस भाई का दिल माने वो खाए हंट करे, जिसका दिल नहीं मानता वो ना।